हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चल पड़े हैं अपनी तीनों बेटियों को लेकर खाना खिलाने। आज है कन्या पूजा और ये सारी बेटियां इनवाइटेड हैं, तो हम इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हैं अपने दोस्त के घर। तो मेरी दोस्त पूरी तरीके की तैयारी करके रखी थी और वो अब कन्याओं का पैर धुल रही हैं। मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी, सो दैट आपको आसानी हो कि कन्या पूजन में क्या करते हैं। तो ये पैर धो रही हैं पहले, उसके बाद उसे टॉवल से अच्छे से पोंछ ले रही हैं ताकि कोई भी पानी ना बचे। इसी तरह वो सारे बच्चों का पैर धुल ली। उसके बाद ये छोटू छोटू जो बच्चे थे वो खेलने कूदने में मज़े करने लगे। उसके बाद सारे बच्चे खेलने लगे। फिर मेरी दोस्त शिखा खाना सर्व करने की तैयारी करने लगी। वो उसने बहुत बहुत तरीके का खाना बनाया था, देख के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा था। और शिखा भी बहुत खुश थी। तो उसने बनाया था खीर, खीर गुड़ की थी, छोले, पूड़ी और हलवा भी था। और उसने एक एक करके सारे कन्याओं को खिलाने के लिए परोस दिया। तो इन नौ कन्याओं में एक बालक भी होता है। अब आप सोचोगे ये बालक क्यों होता है, क्योंकि नवरात्रि में जिस तरीके से कन्या पूजन के बिना माँ की उपासना पूरी नहीं मानी जाती है, ठीक उसी तरह से अगर कन्या पूजन में बालक ना हो तो कन्या पूजन अधूरी मानी जाती है। क्योंकि नवरात्रि में कन्या पूजन में कन्याओं को नौ देवियों का स्वरूप माना जाता है और बालकों को भैरव बाबा और भगवान श्री गणेश का रूप माना जाता है। फिर मेरी दोस्त ने सबको टीका लगाया। उसके बाद कन्याएं खाने लग गई। और ये है सबसे छोटू सी कन्या, सबसे क्यूटू पाई। और ये मेरी बेटी अविका है। ये सिर्फ पानी पी के खुश थी, ये खाना बिल्कुल नहीं खाई। ये देखिए, इसे मैंने पानी छीन लिया तो ये कैसे गुस्सा हो रही है। फिर मैंने पानी दे दिया तो ये हैप्पी हो गई। फिर इसने एक चम्मच उठाया और हमने सोचा कि कन्या अब खाएगी, पर ये कन्या खेलने में ही लगी पड़ी थी। लेकिन बाकी की सारी कन्याएं और भैरव बाबा जी बहुत खुशी खुशी खा रहे थे। उन्हें खाना बहुत टेस्टी लगा और वो सब बहुत हैप्पी थे। और ये हमारी क्यूटू पाई खेलने कूदने में बिजी थी। फिर हमने सोचा इसे कुछ और ट्राई कराते हैं, मे बी ये खाना खा लें, पर नो, अगेन ये खेलने में बिजी थी। सो बिजी पर्सन। वैसे बच्चे सच में भगवान का स्वरूप होते हैं, जैसे इन्हें ही देख लीजिए। उसके बाद इन्होंने सबको पैसे दिए, आशीर्वाद लिया और कन्या पूजन समाप्त हो गया। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।